दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। और मैं हूँ अभिषेक तिवारी और शमाम पीस फाउंडेशन, शौर्य नमन, कारवाने गजल, प्रिया दर्पण साहित्य मंच, पीएलजी ग्रुप ओमान, पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप ओमान, जयपुर इंटरनेशनल पोएट्री लाइब्रेरी जयपीएल, जश्न हुनर, पोएट्री आत्मा, साहित्यम और निशब्द की ओर से मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने आप में अद्भुत, शायद पहली बार ऑनलाइन 10 दिन का जो ग्लोबल ई लिटरेचर फेस्टिवल हम सब मिलके कर रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है भारत साहित्य पर्व का, उसमें आप सभी का खैर मकदम है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बड़े और हमारे अजीज ओमान से तुफेल अहमद साहब। आप पीएलजी के फाउंडर हैं, कर्ता धर्ता हैं। हमारे साथ हैं असलम रशीद भाई, आप कारवाने गजल के फाउंडर हैं, मेंटर हैं, कर्ता धर्ता है। और हमारे मेंटर जुबेर अंसारी भाई, जो कि शमाम पीस फाउंडेशन के भी फाउंडर मेंटर हैं, और डॉक्टर नवीन गुप्ता साहब, आदाब। मेंटर फाउंडर पोएट्री आत्मा। और हमारे साथ जुड़ना था वॉइस आउट इन से आमना जी ने, आमना सिंह जी ने, वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, पर क्योंकि ये एक ओपनिंग सेरेमनी है और इसे आगे बढ़ाना है, तो आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद के साथ हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू जुबेर भाई। आदाब दोस्तों, मैं जुबेर अंसारी, जुबेर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और साथ में हमारे तुफैल अहमद साहब ओमान से जुड़े हुए हैं, और असलम राशिद भाई हमारे कारवाने गजल, और नवीन गुप्ता जी जो प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और हमारे छोटे भाई हमारे अभिषेक तिवारी, ये सब लोग जुड़ चुके हैं। मैं इन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि ये अपने जैसा अभिषेक भाई ने अभी बताया कि ये अपने तरह का एक यूनिक प्रोग्राम है कि हम लोग 10 दिन लगातार जो है इस भारत पर्व जो हम मना रहे हैं, बहुत सारे हमारे कोलेबरेटेड जो भी सोसाइटीज हैं उनके साथ से, तो उसका ये बहुत यूनिक प्रोग्राम है जहाँ पे हम अपने इसमें बहुत सारे लोगों को आपके सामने लेके आएंगे। और ये 10 दिन मुझे लगता है कि साहित्य और अदब और ये जो चीजें हैं ये उतनी ही जरूरी है इंसानियत और समाज के लिए जितना एक आम आदमी के लिए खाना भोजन जरूरी है, रोटी जरूरी है। जहाँ तक मैं तो इस लेवल पे समझता हूँ कि इसी तरह पूरे मानव जाति और समाज के लिए साहित्य और लिटरेचर और इसकी जरूरत है। और बिना इसके जिस तरह से एक भूखा आदमी कब तक जिंदा रह सकता है, इसी तरह से एक साहित्य के बिना, अदब के बिना, संस्कारों के बिना एक अच्छे समाज को की स्थापना नहीं की जा सकती, एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं खुसूसी तौर पे जो इन्हें मैं सामने देख पा रहा हूँ हमारे साथ इस जो कोलैबोरेटरी जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी ग्रुप हैं, पेजेस हैं, उन सबको और खुसूसी तौर पे एक बार फिर से मैं हमारे मोहम्मद तुफैल अहमद साहब और असलम राशिद भाई को, और नवीन गुप्ता जी हैं हमारे, और हमारा छोटा भाई अभिषेक भाई, इनको मैं खुसूसी, क्योंकि इनकी मेहनत है, इनकी कोशिश है, इनकी काविश है, यार मैं सलाम करता हूँ यार। ये मेरा छोटा भाई जरूर है, बट इनके जो एनर्जी लेवल जो इनका है, हालांकि मैं कमजोर नहीं हूँ इस मामले में, अगर कंपटीशन करेंगे तो अरे मैं शायद, जी, मैं कहता चलूँ तो एनर्जी लेवल यहाँ भी कम नहीं है, बट इतनी सारी चीजों को साथ में लेके चलना एक साथ मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे शायद असलम राशिद भाई ने कहा कि रूम, होटल के रूम में भी जो मास्क लगा हुआ है, मैं दोपहर से निकला हुआ हूँ, एक जगह मीटिंग में था तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में मैंने मोबाइल ऐसे ही साइड में रखा और मैं कनेक्ट हो गया। यहाँ आया तो अभिषेक भाई का फोन आ गया, अब मैं बस आप लोगों की मोहब्बतों के हवाले से और फिर से बस आपके अदालत में हाजिर हो गया हूँ। तो जैसा हूँ वैसे ही आपका हमेशा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखता हूँ। तो ये बहुत बड़ा काम है मेरी समझ से, एक स्वस्थ समाज के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए संस्कार जो है, वो अदब जो साहित्य है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक भूखे के लिए जो है खाना होता है, भोजन होता है। तो ये बड़ा काम है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे तुफैल भाई, असलम राशिद भाई, नवीन गुप्ता जी, अभिषेक भाई तो है ही है, इनके साथ साथ जो भी और सोसाइटीज है, मैं सबके नाम लेके, थोड़ा सा वक्त कम रहता है, तो उन सारे लोगों का ये सहयोग है। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यकीन है और उम्मीद है कि ये अपने आप में
ये 10 दिन नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जिस तरह से फीडबैक आ रहे हैं, सुबह से जब से हम लोग इसको अनाउंस करे हैं अभिषेक भाई हमारे बोर्ड पे, अब मेरे पास एक सेंचुरी हो चुकी है, 100 से ऊपर जो मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं कि सर मैं आना चाहता हूँ, मुझे पढ़वाइए और मुझे भी मौका दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा जो ये 10 दिन का जो ये भारत पर्व जो हम लोग मना रहे हैं, ये 10 दिन में हम लोग इसे कर नहीं पाएंगे, इसको खींच के 15 दिन 17 दिन ले जाना पड़ेगा। और क्या बात, यही बस यार, यही मोहब्बतें हैं जो हमें इंशाल्लाह चाहिए थी इंशाल्लाह। आपसे। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक भाई। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सबका अगर सहयोग रहा तो हम लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। गालिबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम लोग ने अप्रैल में एक ई लिटरेचर फेस्टिवल किया था, और शायद वो अपने तरह का बहुत यूनिक फेस्टिवल था, क्योंकि उस टाइम लिटरेचर फेस्टिवल होते नहीं थे, और इतनी ज्यादा जब लॉकडाउन हुआ तो इतनी ज्यादा लोगों को वाकफियत नहीं थी, और लोग टेक्नो फ्रेंडली भी नहीं थे। लोग शुरू में तो लोग कहते थे यार ये ऑनलाइन आके टाइम बर्बाद करते हैं, मैं तो लाइव नहीं आता। बड़े बड़े ऐसे ऐसे मैंने देखा जो आज अपने आप को बहुत बड़ा अदब नवाज और बड़ा साहित्यकार कहते हैं, शुरू में मार्च जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बड़े मुखालफत कर रहे थे वो इसकी, कि साहब ये ऑनलाइन ला रहे हैं, इससे तो ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। और बाद में हमने देखा कि वही सारे लोग फेस फेस हैं, समझे कि किसी तरह से वो लाइव आ जाएं। तो ये सब चीजें थी जो बदलाव हम देख रहे हैं लॉकडाउन के इस एरा में, इस पेनेडिक में, उसमें एरा में जो चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक नई हिस्ट्री, उस टाइम भी हम लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, काफी सारी कटिंग्स अभिषेक भाई ने शेयर करी हम लोग, और इस बार हम लोग शायद उससे बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ऐसी मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, और इंशाल्लाह जब ये हम लोग 15 दिन 17 दिन जो भी जहां तक चलेगा, तो जब उसका इख्तिताम होगा, जब उसके हम जब आखिरी पड़ाव पे आएंगे, तब हम फिर एक बार सब लोग इकट्ठे होके सब अपनी जो भी हमारी ऑडियंस है, जो नाजरीन है, उनसे ये सब शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह तब तक हम एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुके होंगे कि जिसको तोड़ना दूसरे लोगों को नहीं, हमारे लिए खुद ही मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत इस्तकबाल करते हुए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस लिटरेचर फेस्ट भारत पर्व साहित्य पर्व के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद जी। अभिषेक भाई, ओवर टू यू। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिसने ई प्लेटफॉर्म के एरा को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। किसने सोचा था इस लॉकडाउन से पहले कि ये जो मुशायरे हैं ये ई प्लेटफॉर्म पे भी हो सकते हैं। पर एक शख्स जो भारत से तो दूर था पर दिल से कभी भी हमारे देश से दूर नहीं था, उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और हम जैसे लोगों को ये उम्मीद दी कि अगर तुफेल सर जैसे शख्सियत के मालिक इन चीजों को इस मुकम्मल तौर से खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। और आज हमारे साथ, हमारी खुशनसीबी है कि ओमान से जुड़े हुए हैं हमारे बड़े, हम सबके प्रिय, हम सबके अजीब तुफेल अहमद सर, पीएलजी ओमान के फाउंडर मेंटर। तुफेल सर, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक साहब एक बहुत अच्छे तारुफ के लिए। अभिषेक साहब को मैं छोटे भाई की तरह मानता हूँ, और जब उनका 2 दिन पहले फोन आया कि एक ई फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसको साहित्य पर्व का नाम इन्होंने दिया है, और उसके इनॉग्रल सेरेमनी में मुझे आना है, तो मैंने बिल्कुल ही इनको कहा कि मैं आ जाऊंगा और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन जब इन्होंने कहा कि ये 10 दिनों का फेस्टिवल है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि साहित्य के नाम से, अदब के नाम से, शायरी के नाम से, के ताल्लुक से 10 दिनों का फेस्टिवल हो सकता है। क्या बात है। अब जी मेरे ख्याल से आप तमाम लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि किसी जमाने में चित्रहार आया करता था, वो बुध के बुध आया करता था रात में। तो उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि दिन भर गानों का प्रोग्राम आएगा। क्या कहने। लेकिन फिर बहुत सारे टीवी चैनल आ गए और सुबह से शाम तक गाने आते रहे। तो अब गाने तो एंटरटेनमेंट होते हैं, ये भी समझ में आती है बात कि चलो गाने सुबह से शाम तक आते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों पहले तक
बल्कि यूं कहिए कि पोएटिक आत्मा के एक्टिव होने से पहले तक किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि अदब के नाम से, लिटरेचर के नाम से, शायरी के नाम से कोई प्रोग्राम दिन भर हो सकता है, कोई प्रोग्राम 10 दिनों तक हो सकता है। तो पोएटिक आत्मा और पोएटिक आत्मा से जितने जुड़े हुए लोग हैं सब लोग मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं, और एक बहुत रिवोल्यूशनरी काम किया है आपने कि जो अदब का, जो लोगों के जहन में अदबी प्रोग्राम का जो एक कैनवास था, जो एक तस्वीर थी, जो एक शक्ल थी, उसको बिल्कुल ही बदल दिया है आपने। और इतने कम वक्फे में बदला है कि उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। और इतने सारे लोगों को जोड़कर और इतने सारे लोगों को जमा करके और एक प्लेटफॉर्म पे लाना वो एक बड़ी चीज है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जो मैं हमेशा कहता हूं, साहिर लुधियानवी का वो शेर के जो सांस पे निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो सांस पे निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है, वो किस जी। तो जब हम एक प्रोग्राम देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम घंटे भर का या आधे घंटे का प्रोग्राम हम देखते हैं, तो देखने वाले को तो बहुत सहल लगता है और लगता है कि प्रोग्राम जैसे बहुत ही स्मूथली शुरू हुआ और फिनिश हो गया। लेकिन जो प्रोग्राम जितना स्मूथली शुरू होता है और स्मूथली फिनिश होता है उसके पीछे इतनी मेहनत होती है, वो मेहनत करने वालों को ही पता होता है, वो तार को ही पता होता है। क्या बात है कि उस जी कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। और जिस प्रोग्राम के पीछे मेहनत नहीं होती है वो प्रोग्राम स्मूथली ना तो शुरू होता है, ना चलता है और ना फिनिश होता है। तो बिल्कुल सर, इतने प्रोग्राम करना और इतने अच्छे ढंग से करना, इसके पीछे कितनी मेहनत होगी, कितना वक्त लगता होगा, इसका अंदाजा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करता है उसको शायद कभी ना हो सके। और इतना इतनी सारी मेहनत करना और इतना वक्त लगाना, उसके लिए एक जज्बे की जरूरत होती है। क्योंकि हम ऑफिस में भी वक्त लगाते हैं लेकिन वो लगाते हैं हम अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए, वो लगाते हैं हम अपनी अर्निंग के लिए, वो लगाते हैं हम अपने आप को फ्यूचर को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक शख्स है जो इन सब चीजों से परे अदब की बेलोस खिदमत कर रहा है और अदब के प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना वक्त लगा रहा है और इस जज्बे के साथ लगा रहा है। ये वाकई जैसा कि अभी जुबैर भाई ने कहा, पोएटिक आत्मा के जुड़े तमाम लोगों को मेरी तरफ से भी जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहना, दुख लगता है भाई। और पोएटिक आत्मा के जो जिनकी अगुवाई में चल रहा है, अभिषेक तिवारी जी, जुबैर भाई, असलम राशिद साहब, नवीन गुप्ता साहब, तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं कि इतने अच्छे प्रोग्राम और इतने सारे प्रोग्राम आप लोग करते हैं, और अदब के प्रोग्राम को भी तमाम दूसरे तरह प्रोग्रामों की तरह एक जगह दी है, एक निश क्रिएट किया है आप लोगों ने और एक अलग मुकाम बनाया है इस अदबी प्रोग्राम का। तो ये एक रिवोल्यूशन है और इस रिवोल्यूशन के लाने के लिए आप तमाम लोग बहुत ही कंग्रेचुलेशंस के लिए के मुस्ताहक हैं, आप लोग मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं। और जब हमारी जो तंजीम है पीएलजी,
उसकी तरफ से जो भी कॉपरेशन हो सकता है उसके लिए हम लोग तैयार हैं बिल्कुल, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हमारा साथ आपके साथ है। और आपने कहा कि आपके पास 100 के करीब शुरा आ गए हैं और आप 10 दिनों में खत्म नहीं कर पाएंगे, शायद 10-15 दिनों तक जाएगा, तो इससे अच्छी खुशाइन बात क्या हो सकती है। और अगर आप कुछ और दिन उसको ले जाना चाहें तो 20-25-30-50 पोएट हम भी देख सकते हैं आप। अरे वाह 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 माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल। आप बस हमें हुक्म फरमाएं और हमारी तरफ से जो भी कॉपरेशन होगा हम उसके लिए तैयार हैं, और आप हमारा पूरा कॉपरेशन इस फेस्टिवल में रहेगा और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात, और इस कामयाबी, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैं दुआगू हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस इज्जत अफजाई के लिए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू अभिषेक जी। पीएल जी, ओमान पोएट्री लिटरेरी ग्रुप वन ऑफ द बिगेस्ट लिटरेरी ग्रुप, लिटरेचर ग्रुप अक्रॉस द ग्लोब है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर का ग्रुप पूरा छाया हुआ है, एक्सेल कर रहा है। पर जब बात होती है रिवॉल्यूशन की, कि हिंदुस्तान में अदब की खिदमत करने वालों में किसने रिवॉल्यूशन किया, तो यकीनन आसिफ भाई का जो सपना, जिसे आज लीड कर रहे हैं हम सबके अजीज, हम सबके प्यारे असलम राशिद भाई, कारवाने गजल के माध्यम से। और एक सपना जो आसिफ भाई ने देखा था कि हिंदुस्तान के हर एक घर तक शेरो शायरी पहुंचे, गजल पहुंचे, और जो अदब है, अदब हर एक तक पहुंचे। और जब मैंने ये सुना, आसिफ भाई के बारे में पढ़ा मैंने असलम भाई की वॉल पे, तो आई गॉट सो टच्ड। और मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनफैक्ट हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे साथ असलम भाई का अनस्टॉपेबल सपोर्ट है और आज वो हमारे बीच में मौजूद है, और इस लिटरेचर ग्रुप को कारवाने गजल का भी पूरा सहयोग है। ओवर टू यू असलम भाई। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। मैं आप सभी को आदावर्त करता हूँ, कुशल भाई, जुबैर आदाब भाई, नवीन भाई, अभिषेक भाई, और आदाब जो आदाब लोग भी आदाब हमसे, जो भी हमसे जाहिरी और गायबाना तौर पे जुड़े हुए हैं, सभी को आदाब। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अभिषेक भाई का, पोएटिक आत्मा का, और इससे जुड़े तमाम अहबाब का, कि जिन्होंने इस लायक समझा कि इस 10 दिन के जो साहित्यिक पर्व आप मना रहे हैं, ये जैसे आपने भारत पर्व या साहित्यिक पर्व का नाम दिया है, तो अगस्त का महीना तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खुशियों का, जश्न का महीना होता ही है, हमारा मुल्क आजाद हुआ था, तो इस वक्त ये मनाना, ये बहुत खुशी को दोबाला करता है। जुबेर भाई ने और तुफेल भाई ने जो बातें कही, कि जो सामने दिख रहा है उसके पीछे की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती है। 3 घंटे की फिल्म देखते हैं और उसे अच्छा या बुरा कह के लौट आते हैं, लेकिन वो 3 घंटे की फिल्म के लिए जो 3 महीने, 4 महीने, साल भर जो हजारों लोगों ने मेहनत की, वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसी तरीके से ये जो पोएटिक आत्मा का इनिशिएटिव था, आज यहां तक पहुंचा है, ये जो प्रोग्राम दिख रहा है, इसके पीछे जिन लोगों ने मेहनत की होगी, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हम सभी लोग किसी न किसी बहाने से अदब की खिदमत से जुड़े हुए हैं, और ये देखते हैं कि अदब की खिदमत के लिए हम कितने पेंस लेते हैं, हम कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तारीफ करने वाले दो हैं, तो हमें मायूस करने वाले लोग ज्यादा तादाद में होंगे, लेकिन वो जो दो लोग हमें हौसला दे रहे हैं, वही हमारी ताकत है। पूरी घनी अंधेरी रात को एक दिए की रोशनी काट देती है, तो एक छोटी सी नेचर कोशिश आप पूरी जिंदगी का सरमाया बन जाती है। ये जो 10 दिन का जो आप पर्व मना रहे हैं, इसमें मुझे पूरा यकीन है कि बहुत क्वालिटी कंटेंट आप लोग लेकर आएंगे। मेरा और कारवाने गजल का आप सभी लोगों के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट है। मुझे अभिषेक भाई से मोहब्बत है, जुबैर बहुत भाई का शुक्रिया, बहुत एहतराम है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। आप लोगों के लिए ब्लैंक चेक है कारवाने गजल का, जब भी जितनी दुआएं चाहिए, जितना सपोर्ट चाहिए, आप लोग मशीन रख सकते हैं। और तुफैल वाह भाई और नवीन भाई की मौजूदगी मेरा हौसला बढ़ाती है कि मैं कितने अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी दुआएं हैं आप सभी के लिए, वाह, और ये जो आने वाले 10 दिन हैं, यकीनन ऐसे 10 दिन होंगे जो तारीख में रकम होंगे, सुनहरे वर्क पे लिखे जाएंगे। जब गैलीलियो साहब ने पहली दफा मरतबा जब ये कहा था कि जमीन जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो लोगों ने पागल कहा था पत्थर मारे से।
सेम कंडीशन आज जब ये मुशायरे शुरू हुए होंगे तब हुई होगी, तुफैल भाई ने इसका जिक्र भी किया। तो वो स्टार्टिंग थी और आज उसका हम उसके मिड में आए हैं। तो आज जो हालात हैं उसको देख के लगता यही है कि आने वाला वक्त ई मुशायरों का, ई सारे इवेंट्स का जो मरकज है वो ये मुशायरा इंटरनेट हो जाएगा। तो हम लोग बहुत बेशक पहले बेशक इनिशिएटिव ले चुके हैं, तो हमें पहल करने का, जो पहला कदम उठाने का जो लुत्फ है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, पोएटिक आत्मा के साथ रहेगा। इनिशिएटिव लेने वाला आदमी ही बड़ा होता है। तो अभिषेक भाई को, जुबेर भाई को, पूरी पोएटिक टीम को और उनके साथ जुड़े हुए तमाम जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको बहुत मुबारकबाद। बस यही दुआ है कि आने वाले 10 दिन बहुत बहुत कामयाब हो। मेरी नेक दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अभिषेक भाई, ओवर टू यू। थैंक यू असलम रशीद भाई। एक नाम ऐसा तुफेल साहब का जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे पूरे अदब की दुनिया का रुख बदल के रख दिया, और असलम भाई जिन्होंने जमीनी स्तर पे अदब की दुनिया का रुख बदल के रख दिया। और वैसी एक शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ी हुई है जिसने साइंस और शायरी का जो मैग्नेशन किया, एक ब्लेंड बनाया, एक फॉर्मूला ईजाद किया, और उसके बाद तो जो शायरी अदबी हलकों से निकलकर, अदबी इदारों से निकलकर जो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे, और वो भी साइंटिस्ट के अमंगस्ट, उसके लिए सबसे ज्यादा मुबारक मुस्तहिक हैं डॉक्टर नवीन गुप्ता साहब। और हमारे बीच हमारे मेंटर भी हैं आप, पोएटिक आत्मा के फाउंडर मेंटर एक तरीके से आप हैं। तो ओवर टू यू नवीन गुप्ता सर। नवीन सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं को पहले तो मुबारकबाद देता हूँ इस पर्व के लिए। इस 10 दिन के प्रोग्राम के बारे में तो काफी कुछ कहा जा चुका। मैं पोएटिक आत्मा से जब से जुड़ा हूं उसकी कुछ बातें आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ। अलग है पोएटिक आत्मा, मतलब कुछ चीजों में मैं 1.5 साल से जुड़ा, मेरे को भी हैरान किया। सबसे अलग चीज ये है कि पोएटिक आत्मा में हम लोग, जो ये अभिषेक भाई, डिप्सन, जुबेर जी, सभी जानते हैं कि डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल। जब ये हम डिफिकल्ट टाइम में आए लॉकडाउन में, जैसे अभी जुबेर भाई बता रहे थे, सभी को लगा यार हमें एक प्रोग्राम 3 दिन पहले कैंसिल करना पड़ा जो हम पंजाब यूनिवर्सिटी में कर, हमें जब हमें कैंसिल करना पड़ा हम सभी बड़े मायूस थे, क्या अब क्या करेंगे, अब तो सब कुछ रुक गया। कितनी क्विकली उसको अपॉर्चुनिटी में बदला गया, दैट इज समथिंग ग्रेट। ऑलवेज से हैट्स ऑफ टू होल ऑफ द टीम। ये जैसे जुबेर भाई का जो अदबी जो सर्कल है उससे मिलने के बाद, अभिषेक की नदजी और दीपसन तान्या सभी टीम मेंबर्स ने मिलकर, और इतनी फास्ट किया गया ये कि विदिन 15 दिन के अंदर अंदर उसको सभी को ऑनलाइन आने पे, जैसे भी जुबेर भाई कह रहे थे, वो लोग भी जो कह रहे थे क्या करेंगे आके, वो भी 15 दिन बाद अपने पेज पे लाइव दिखे। तो उसको जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, दैट इज समथिंग ग्रेट। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप आज का स्क्रीन देखो, ये जनरली तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, काफिले में हम खींचातानी करते हैं, तो एक ग्रुप दूसरे को टांग खींचने को तैयार रहता है। तो क्या मेरे को ये स्क्रीन देख के बड़ा मजा आ रहा है कि PLG भी साथ है, कारवाने गजल भी साथ है, और पोएटिक आत्मा भी साथ है। ये नजारा देखने को सुबेर भाई बड़ा कम मिलता है। जल्दी हम दूसरे को देख के, मतलब मैं अगर भाषा में बोलूं, जल फूक जाते हैं, कहते हैं इसको हम डंप कैसे करें। मैं 15 मिनट से स्क्रीन पे बार बार देख के इसी नजारे का लुत्फ ले रहा हूं कि सभी को अपने साथ लेके चलने का जो हुनर है वो उसने पोएटिक आत्मा को बहुत स्टेबिलिटी और वो दी। और कैसे उनसे रैपो बनानी है, आज PLG वाले हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कारवाने गदर वाले कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, इमाम फाउंडेशन उसकी हमें पूरी सपोर्ट है। इतने चीजों को एकदम से इकट्ठे लेना, और काफी अरसा हो गया लंगे वक्फे तक उसको इकट्ठे चलाना, वो पोएटिक आत्मा की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरी चीज जो मैंने नोटिस की, हर किसी को जो उसका ड्यू है, उसकी रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट में ये नहीं कहूंगा कि हम लोगों को, कि मेरी उम्र अभिषेक से 10-15 साल ज्यादा होगी, मेरे को मिल रही है, जो छोटा शायर भी कोई पढ़ने वाला यंग शायर है, जैसे मैं छोटा लफ्ज नहीं यूज करूंगा, उसको भी जो
तवज्जो दी जाती है, उसको भी जो इज्जत दी जाती है, जिसका जो ड्यू है। अभिषेक मेरे को हमेशा यही कहते हैं, डॉक्टर साहब जिसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, वो दे दो, जिसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो पोएटिक आत्मा में मिलती है, दैट इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ पोएटिक आत्मा। और इसके बारे में पहले ही ये हमारे कवि जी काफी कह चुके हैं कि इतना उसके पीछे एनर्जी जाती है। मेरी कल ही जुबेर भाई से रात को बात हो रही थी, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को पता है मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, और रात को 2 बजे तो हम कल रात भी 2 बजे मैं और अभिषेक लाइन पे थे, 2 बजे उठा के देखो तो ग्रुप काम कर ही रहा होता। और मेरे को ये इतना फैसिनेटिंग लगा, मैं जाके वो मैसेजेस अपने रिसर्च ग्रुप के स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ कि काम ऐसे होता है, दिस इज द वे टू वर्क। तो उसके पीछे जो एनर्जी, जो एक दूसरे की कोहेसिवनेस जाती है, तो और कोई आपस में इस तरह का टीम, कल मेरे को अभिषेक कहते हैं डॉक्टर साहब टीम बड़ी बहुत बड़ी हो गई, जनरली ही रहता है जब कोई सिस्टम बड़ा होता है तो उसमें आपस के डिफरेंसेस, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मेरे को अभी तक ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखा। तो ये जो स्ट्रेंथ है पोएटिक आत्मा, ये स्ट्रेंथ मेरे को लगता है सभी को साथ लेके चलना, सभी को रिस्पेक्ट देना। और चौथी बात ये है, इन्होंने अदब के, पोएटिक आत्मा ने अदब के हर कॉर्नर को छुआ, चाहे रूबरू प्रोग्राम है जहां पे यंग से लेकर उनको छुआ, मुशायरा है जो सीनियर लोग हैं उनको उन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जैसे हम अभी मैं और अभिषेक जब भी बात करते हैं कहते हैं हमने ओपन माइक नहीं छोड़ना, मैं भी कहता हूँ ओपन माइक नहीं छोड़ना जब ऑन ग्राउंड आ जाए। तो हर तरह के उसको जो अदब को टच किया गया, चाहे वो पोएट्री थोड़ी अदब वाली पोएट्री है, चाहे जो यंग राइटर है जो लिख रही है, वो इन सारी चीजों का जो मेरे को लगता है एक एमल्गम है, एक मिश्रण है, उसकी वजह से पोएटिक आत्मा आज जहां है वहां है। और इसमें कोई शक ही नहीं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी में है, तो अगर सभी का सपोर्ट मिलके चलेगा तो पोएटिक आत्मा विल डेफिनेटली डू वंडर्स। और जहां तक इस प्रोग्राम का सवाल है, तो क्या पता है हमें खत्म करना ही ना पड़े अभिषेक भाई, 10 दिन 15 दिन भी इसको रूबरू की तरह चला देंगे, क्यों जुबेर भाई इसको कहते जी? बिल्कुल, जैसे रूबरू अपना 4.5 महीने से कंटिन्यू चल रहा है डेली, तो हो सकता है। चलिए अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नवीन भाई। जैसे रूबरू रोजाना चल रहा है, क्या पता हम इस पर्व को रोजाना 1 घंटा 2 घंटा देना पड़े। एक बार और याद आते हैं जी, जो अक्सर हम जब टीम में बात करते हैं, हर ग्रुप को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, मैंने बहुत बार हमने अपनी मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं, इतने बजे PLG का प्रोग्राम आ रहा है, हमने क्लैश नहीं देना। इतने बजे सोल टॉक का प्रोग्राम आ रहा है, यार हमने सोल क्लैश नहीं देना, उनके प्रोग्राम को उनकी जगह पे चलने दो। ये जो एक रिस्पेक्ट का लेवल है, हम कोई उनको बताने नहीं जा रहे, तो वो जो मेरे को सारी फीलिंग्स दिखी और जो अपनापन मिला, वही वो मैंने अभिषेक के लिए एक लाइन लिखी थी कि कितनी जल्दी सच ये सपने हो गए, कल तुम देखे आज अपने हो गए। तो वो जो अपनापन इस टीम में मिलता है, मेरे को ही नहीं सभी को मिलता है, वो उसको जो पोएटिक आत्मा की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और मेरे को उसमें कोई शक नहीं कि ये पोएटिक आत्मा एक, और आप सभी के साथ, चाहे वो PLG है, कारवाने गजल है, शुभम पी फाउंडेशन है, और सभी लाइक माइंडेड जब जुड़ेंगे तो हम एक बहुत अच्छा कारवा बना पाएंगे, जिससे कि हम अदब के हर मुकाम को टच करके यंग लोगों है या जो सीनियर लोग हैं सभी को हम प्रेजेंट कर। तो मेरी तो हमेशा, मैं इनको कहता हूँ मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, काफी कम टाइम दे पाता हूँ। कई बार पहली बार रात मैंने फोन किया अभिषेक को, मैंने कहा यार मैं गलत तो नहीं पड़ गया, 10 दिन ही आई है हमारे, ये डॉक्टर साहब कुछ फर्क करेंगे तभी तो है। तो मेरा आशीर्वाद, मेरी विशेष हमेशा पोएटिक आत्मा के साथ है। और आप लोग बाकी सभी लोगों से, मैंने प्रोग्राम के शुरू में जब हम लाइव नहीं हुए थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा सभी से मिलकर। तो कभी ये मैं कहूंगा तमन्ना थी कि ये कभी असलम रशीद जी के साथ इकट्ठे बैठ के बातचीत करें, तो वो तमन्ना पोएटिक आत्मा के आने से, चाहे वो जुबेर जी के, कल जुबेर भाई को मैं कह रहा था कि यार किश्तों में आपके शेर नहीं सुने जाते, अब जब चंडीगढ़ आओगे होटल के कमरे में बंद करके पूरे के पूरे सुनेंगे। तो सेम इस टॉपिक के लिए, सेम टॉपिक के लिए है, जब भी इंडिया आएंगे ये कह रहे हैं मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, मैं कह रहा था कि वापस थोड़े दिन तो जा ही ना पाए तो अच्छी बात है। हाँ, जाने ही नहीं देते।
जब तक हम एक ऑन ग्राउंड प्रोग्राम इनकी मौजूदगी में ना कर पाए, एडमिट तो चला जाए, पर सॉरी शायद मेरे को पता नहीं, मैं ठीक दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह करे वापस जा ही ना पाए। तो मेरा मेरे को उम्मीद है कि आप सभी के आशीर्वाद से हम ये सारे यूनिक करेक्टर पुस्तिका में जिंदा रख पाएंगे और इन करेक्टर्स के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। So best wishes to the whole of our group. Over to you, Abhishek. Thank you, sir. और दोस्तों जैसा कि कहते हैं कि पिता पे पूत जात पे घोड़ा, बहुत ही तो थोड़ा थोड़ा, और जो हमारे संस्कार और हमारे जो देश का कल्चर है, यहाँ पे हमें एक चीज सिखाई गई है कि जो बड़ा भाई होता है वो हमेशा पिता तुल्य होता है, पिता के समान होता है। और यकीन मानिए कि जुबैर भाई, असलम भाई, तुफेल भाई, नवीन सर जैसे जब गार्जियंस हमारे साथ हो तो कोई भी छोटी चीज छोटी नहीं रहती, वो बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि ये जो शख्सियत सामने बैठी है ये अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, मुख्तलिफ रंग इन शख्सियतों ने भरे हैं अपने कामों के द्वारा और अपने कामों के माध्यम से। और जो खिदमत, ये नहीं कि सिर्फ अदब की, अपार्ट फ्रॉम अदब जो इंसानियत की खिदमत आप लोग करते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर्स जाके आप जो ये मोहब्बत का एक गुलदस्ता बनाते हैं, सभी दिलों को पिरोते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही खुशनुमा एहसास है। और जिससे हम जैसे नए बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं पीएलजी की बात करूं तो ऑनलाइन पोर्टल पे स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, राइटिंग, राइटर्स, एक्टर्स, बॉलीवुड, सब कुछ, सारा इमेजिनेशन है वहां पे, सिंगिंग है, म्यूजिक है। कारवाने गजल की जब मैं बात करता हूँ तो क्या छोटा शायर, क्या बड़ा शायर, एक ऐसा गुलदस्ता सजता है, एक ऐसी महफिल सजती है जब ग्राउंड पे इवेंट्स होते हैं कि देखने वालों को बस उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है कि हम इसका हिस्सा क्यों नहीं बने या हम इसका हिस्सा कब बनेंगे। और जो इनके स्टेजेस पे होता है, जाहिर सी बात है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता है। अगेन जुबैर भाई, जुबैर भाई, मैं मेरे पास शब्द नहीं होते जुबैर भाई को डिस्क्राइब करने के लिए टाइम्स, या नवीन सर को, या आप सबको। और आप सब बहुत ही चमत्कारी चमत्कारी शख्सियत के मालिक हैं कि बोलते हैं ना पत्थर को छू के सोना बनाना, तो आप सब पारस हैं और हम सब पत्थर हैं जो काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ग्रुप्स जो इन्वॉल्व हैं इस पूरे आयोजन में, जिसमें साहित्यम है, जश्न हुनर है, जयपुर इंटरनेशनल पोएट्री लाइब्रेरी है, पीएलजी ओमान, पीड़ा दर्पण साहित्य मंच, कारवाने गजल, शौर्य नमन, शमाम पीस फाउंडेशन, ADF, शायरों का शहर और निशब्द। तो आप सोचिए कि इतने सारे ग्रुप्स का जब सपोर्ट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका आशीर्वाद हमें परोक्ष अपरोक्ष रूप से मिल रहा है। शकील जमाली साहब का नाम मैं लेना चाहूंगा, बहुत जल्द वो आपसे मिलेंगे। रहमान मुसव्विर सर का नाम लेना चाहूंगा, और हमसे हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी नहीं है, हमारे प्यारे, हमारे जी सरफराज मुकदम भाई, फराज मीडिया प्रोडक्शन के मेंटर फाउंडर। तो जब आप सारे लोगों का सपोर्ट अगर किसी भी इवेंट को मिल जाए, तो यकीन मानिए जो जुबैर भाई ने बात बोली और उसके बाद जो तुफेल भाई ने और जिसे आगे बढ़ाया असलम भाई ने, कि हो सकता है कि इतने सारे लोग और जुड़ जाएं, इतने सारे नाम और आ जाएं, कि जो नवीन सर ने बोला कि हो सकता है हमें खत्म ही ना करना पड़े, ये चलता रहे जहां तक चल रहा है। एंड एज दी से ऑल द गुड थिंग्स नीड्स टू कम टू एन एंड, तो जो अच्छी चीजें होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सफर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक एक नया सफर कहां से शुरू होगा। और सपनों को पंख जो दे रहे हैं कारवाने गजल में असलम भाई, तुफेल भाई दे रहे हैं पीएलजी ओमान में, जुबैर भाई समामतीस फाउंडेशन के थ्रू, और नवीन सर अपने साइंस और शायरी के थ्रू, हैड्स ऑफ टू यू, आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं। और ये पूरी मुझे लगता है कि आर्टिस्टिक कम्युनिटी, अदब की जो दुनिया है, ये आने वाले आज से 20-30-40-50 साल बाद मिसाल दिया करेगी कि एक शख्स होते थे असलम रशीद, उनका जो कंट्रीब्यूशन है जो कारवाने गजल का, क्योंकि कारवाने गजल आगे की पीढ़ियां बढ़ा रही होंगी आगे, तो उनका कंट्रीब्यूशन देखो। तुफेल साहब का भी जो पीएलजी ओमान, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ वो बन चुका है बरगद की तरह, कि जिसमें मेरे हिसाब से काफी सारे देश के काफी सारे राइटर्स हैं, हिंदुस्तान के काफी सारे राइटर्स जुड़ चुके हैं, आर्टिस्ट जुड़ चुके हैं। तो जब इनकी मिसाल दी जाएगी तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों का भी नाम कभी आया करेगा कि हाँ ये लोग थे कि जो आप जैसे बड़े लोगों की सरपरस्ती में आगे बढ़े और जिन्होंने अदब के लिए कुछ किया। हालांकि आप लोगों के सामने हमारा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, पर
सबसे खुश, ज्यादा मतलब ज्यादा खुशकिस्मती की बात हमारे लिए यह है कि आप सबका एक्सपीरियंस हमारे साथ है और आप सब हमारे साथ, आप सबका दिल हमारे साथ है, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। असलम भाई, बस अब हाँ, मुझे लगता है हमारा आज का सेशन हो गया है। अब 8 बजे आपका शायद दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, नौ नौ बजे तो है, नौ अब बजे है, इजाजत मिल जाए। अच्छा, 9 बजे है नौ बजे है भाई, तो बस नौ इसको। बजे हाँ है। हाँ तो जुबैर भाई से पूछिए, जुबैर भाई से पूछिए क्या करना है। मुझे 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 लगता है अभिषेक भाई कि जब इतने बड़े बड़े लोग जो है अपनी अपनी कम्युनिटी के जो फाउंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, साहित्य उत्सव है और उत्सव की शुरुआत अगर हम ही लोग अगर ऐसे खाली खाली करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो जब इतने सारे लोग मौजूद हैं तो कम से कम दो इरशाद तो इरशाद, दो देखिए दो और शेर तो पूछ कम से कम पूछ बनते हैं यकीनन यकीनन, दो दो शेर तो कम से कम बिल्कुल बनते हैं। जी जी तो असल। तो अभी अभी उसके नहीं, तो फिर हाँ अभिषेक अभी अभिषेक भाई से शुरू करते हैं, वो अच्छी गजलें कह रहे हैं आजकल बहुत। नहीं, मैं कुर्बानी हाँ देने के बढ़िया, लिए तो मैं हाजिर हूँ, कुर्बानी देने के लिए नहीं मैं नहीं हाजिर जब हूँ हमारे पास हमारे पास हमारे पास ज्यादा अच्छा बकरा है, मोटा ताजा। जी, जैसा जैसा हो जो अभिषेक जो जी, असलम भाई जी जी अभिषेक भाई आप शुरू करें। हाँ, भाई हमारे असलम राशिद भाई की ख्वाहिश है कि आप शुरू करें तो बेहतर है। जी अभिषेक भाई आइए, चलिए असलम भाई ने हुक्म दिया है तो मानना पड़ेगा। तो चंद अशार आप सभी के नजर है कि शेर देखिएगा कि तुम्हारे साथ होता है तो हर गम भूल जाता है, तुम्हारे साथ होता है वाह, तो तो हर हर गम गम भूल भूल जाता जाता है, हमारा दिल मोहब्बत में खुशी के गीत गाता है। है। हमारा हाँ दिल वाह मोहब्बत वाह, में खुशी के गीत गाता खुशी है, के गीत। तू मेरे मुस्कुराने का सबब मत पूछ हो साथी, तू मेरे क्या क्या मुस्कुराने का मुस्कुराने सबब का, मत पूछ हो साथी, तेरी जब याद आती है तो दिल खुद मुस्कुराता है, तेरी जब याद हाँ आती वाह है क्या तो बात दिल है, खुद क्या क्या मुस्कुराता है, बहुत अच्छा तुम्हारे अभिषेक, बाद मैं खुद का नहीं हूं खुदा का क्या, तुम्हारे बाद मैं खुद का नहीं हूं खुदा का क्या, शराबे इश्क पी लेने पे किसको होश आता है, क्या शराबे इश्क पी लेने वाह पे किसको होश आता है। क्या बात है, बेहद बहुत अच्छा, शुक्रिया। आप जब वाह असलम वाह। भाई बैठे हैं सामने, तो मैं चाहूंगा कि आप रहने दीजिए, हो ही जाए। आप रहने आप दीजिए, हो जाए। आप रहने, तो चलिए आप असल में मतलब देखिए, कहता हूँ जी कि दुख 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 हमारा कम करेंगे, आप रहने वाह दीजिए, क्या बात, हाँ क्या बात, दुख हमारा कम करेंगे, कम आप रहने करेंगे, दीजिए, आग को शबनम करेंगे, आप रहने आप दीजिए, रहने दीजिए, वाह आप रहने वाह दीजिए, दीजिए, वाह वाह दुख वाह, क्या हमारा मतलब है, कम करेंगे, शुक्रिया, क्या बहुत बात शुक्रिया, है, आप रहने दीजिए, आग को शबनम करेंगे, आप रहने दीजिए, आपके ही हुक्म पर लाशें बिछी हैं हर तरफ, हाँ आपके ही हुक्म पर लाशें बिछी हैं हर तरफ, आप भी मातम करेंगे, आप आप रहने दीजिए, वाह, क्या रहने दीजिए, सच्ची बात है, क्या सच्ची आप बात आपके ही हुक्म पर लाशें बिछी हैं हर तरफ, आप भी मातम करेंगे, आप रहने दीजिए, आपने खोया किसे है, आपने देखा है क्या, वाह, आपने खोया किसे है, आपने देखा है क्या, देखा है क्या, आप किसका गम करेंगे, आप आप रहने रहने दीजिए, आप आप क्या बात रहने है, दीजिए, क्या वाह, बात है, आप किसका गम करेंगे, आप वाह रहने आप रहे, दीजिए, आपके वाह नाखून हमारे खून से ही लाल हैं, हाँ हाँ आपके नाखून आपके हमारे खून बोन से ही लाल हैं, से आप और मरहम करेंगे, आप अरे रहने आप दीजिए, रहने दीजिए, आप आप रहने रहने दीजिए, दीजिए, वाह वाह आप रहने क्या दीजिए, खूबसूरत, क्या क्या बोलते खूबसूरत, रहेंगे, वाह आप रहने दीजिए, क्या बात है, आपका तो शौक है जलते घरों को देखना, हाँ आपका तो शौक है जलते घरों को देखना, आप आंखें नम करेंगे, हाँ आप रहने आप दीजिए, रहने आप दीजिए, रहने दीजिए, क्या बात है, आप क्या रहने दीजिए,
वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया, वाह, क्या क्या मुनस्सा कलाम है भाई, बहुत वाह, मुबारकबाद, शुक्रिया, जिंदाबाद असलम भाई, जिंदाबाद। मैं असलम भाई के हर लाइव सेशन में जाके ना लिखता रहता हूँ, असलम भाई आप रहने दीजिए, सुना दीजिए, आप रहने दीजिए, सुना दीजिए। भाई नहीं सुनाते, भाई नहीं सुनाते। सिग्नेचर बन चुका है ये असलम भाई का, ये सिग्नेचर बन है, चुका है, आप रहने दीजिए, सिग्नेचर है। हम तो लुधियाना इनका सिर्फ यही सुनने गए थे, आप रहने दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, नवीन भाई को सुनते हैं। हाँ नवीन सर, नवीन सर, मैं अभिषेक और सुबेर जी को पता है सभी को, मैं पोएट्री का शौकीन बहुत हूं, पर लिखना नहीं जानता ज्यादा, छोटे मोटे ख्याल लिखता हूं सिर्फ, तो उसमें से कुछ जो याद आ रहा है। माना माना फासला दरमिया खिंचता रहा, माना फासला दरमिया खिंचता रहा, दर्द का ही सही कुछ तो रिश्ता रहा, वाह वाह, दर्द का ही सही कुछ तो रिश्ता रहा, कुछ तो रिश्ता, वक्त ने जख्म से भर दिया खून एक मुद्दत अंदर रिश्ता रहा, वक्त ने जख्म बाहर से भर दिया खून एक मुद्दत अंदर रिश्ता रहा, समझ रहा है तू क्यों खुदा खुद को वक्त हमेशा किसका रहा, समझ रहा है तू क्यों खुदा खुद को वक्त हमेशा किसका रहा। और जिसलिए मैंने ये रचना पढ़ी आप सभी के लिए, अगला शेर, वक्त के साथ हर शय बदल गई, वक्त के साथ हर शय बदल गई, मेरा दोस्त फरिश्ता था फरिश्ता रहा, वाह वाह वाह, वक्त के साथ हर शय बदल गई, मेरा दोस्त फरिश्ता था फरिश्ता, क्या कहना रवि भाई। हाँ जी, जुबेर भाई को सुनते हैं। जी जी, जुबेर भाई इनायत हो, जुबेर भाई इनायत जी, एक मतला और दो शेर समाप्त कर लें, और उससे पहले एक रुबाई सुन लें, तो चूंकि तुफैल भाई हैं, असलम भाई हैं, एक रुबाई यूं है कि छोड़ी ही नहीं कोई कहानी हमने, छोड़ी ही नहीं कोई कहानी हमने, ईमान की रखी है निशानी हमने, ईमान की रखी है निशानी, और किरदारे हुसैनी को जिया है हर पल, किरदारे हुसैनी को जिया है हर पल, मांगा नहीं दरियाओं से पानी हमने, मांगा नहीं दरियाओं से। एक मतला और दो शेर समाप्त कर लें कि खुश्क जुबां है तिश्ना लब है खाली पैमाने लोग, खुश्क जुबां है तिश्ना लब है खाली पैमाने लोग, बस्ती बस्ती ढूंढ रहे हैं महफिल और मैखाने लोग, बस्ती बस्ती ढूंढ रहे हैं महफिल और मैखाने लोग। और शेर ये बतौर खास के प्यार की भूखी है ये दुनिया, प्यार लुटाकर देखो तो, प्यार की भूखी है ये दुनिया, प्यार लुटाकर देखो तो, भाई से बढ़कर अपने बन जाते हैं अनजाने लोग, भाई से बढ़कर बन जाते हैं अनजाने लोग। और इस गजल का शेर मैंने ये गजल इसलिए भी सिलेक्ट करी कि अगर मैं नहीं पढ़ता तो अभिषेक भाई फरमाइश कर देते हैं शेर की, तो मैंने कहा यकीनन बेशक। तो वो शेर यूं है कि इश्क की खातिर सब करते हैं, जीते हैं मर जाते हैं, इश्क की खातिर सब करते हैं, सब जीते हैं मर जाते हैं, इस दुनिया में कम मिलते हैं हम जैसे दीवाने लोग, सब करते हैं जीते हैं मर जाते हैं, इस दुनिया में कम मिलते हैं हम जैसे दीवाने लोग, इस दुनिया में कम मिलते हैं हम जैसे दीवाने लोग। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे तुफैल भाई से कि वो अपने चंद आशा अपने कलाम से नवाजें। जी तुफैल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो अभी असलम भाई कह रहे थे कि उसमें अगर इजाफा करें कि इतने दिग्गजों के बाद तुम शेर पढ़ोगे, रहने दो, तुम ऐसी फीलिंग हो रही है। आप दिग्गज है सर, आप दिग्गज हैं, आप दिग्गज हैं।
अरे आप दो आगे दो, दिग्गजों के उस्ताद हैं। बिल्कुल ये दिग्गजों के तो आपकी उस्ताद मोहब्बत है कि आप जर्रे को आफ्ताब कह रहे हैं। बहरहाल एक गजल के दो शेर, और अगर समाअत आप लोगों की इजाजत दे तो छोटी सी एक नज़्म भी पढ़ूंगा। इनायत सर, जरूर सर, जरूर। मुझे मुझे आदत नहीं के काम लूं मैं गुल फिशानी से। बहुत अच्छा है, मुझे मुझे आदत नहीं आदत नहीं के काम लूं मैं गुल फिशानी से, गुल। बहुत से लोग रूठे हैं मेरी सादिक बयानी से। क्या बहुत बात है, अच्छा है, वाह क्या वाह वाह वाह, बहुत बहुत से बहुत बहुत लोग बहुत रूठे हैं मेरी सादिक बयानी से, मुझे आदत बहुत अच्छा नहीं के बताया, काम लूं मैं गुल फिशानी से। वाह और एक वाह शेर और वाह सुने वाह कि जरा जरा ठहरा मैं साहिल पर, जरा ठहरा मैं साहिल पर मगर चलने लगा यकसर। क्या जरा शानदार, ठहरा मैं साहिल पर मगर चलने लगा यकसर, सबक कुछ सीख कर यारो मैं दरिया की रवानी से। क्या सबक बात, कुछ क्या सीख कह रहे कर हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे दरिया हैं, की रवानी से। बहुत बहुत अच्छा तुमने दरिया, वाह वाह क्या बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और शानदार। जिस अंदाज में अभी गजलें पढ़ी जा रही थी, तो उसी अंदाज की मुझे एक नज्म याद आ गई, तो मैंने कहा कि वो भी इनायत सुनाता इनायत चलो। सर, इनायत जी, इनायत, अर्ज किया है कि ये कैसा दौर आया है, ये दुनिया किस डगर पे है, तरक्की से है क्या हासिल, कि कुछ तो खून हर जानिब, अजियत से सभी घायल है, बदउनवान गद्दी पर रउसा साथ है शामिल, ये कैसा दौर आया है। क्या कहना, क्या क्या कहना है, कहना, क्या कहना, क्या कहना, बहुत शुक्रिया। जो चाहे कर ले ताकतवर, मरे अब ना तवा ना हक, गरीबों की निदा कैसी, अमीरों का ही सारा हक है, बेकस की सदा बातिल, जो जालिम है वही बरहक, ये कैसा दौर आया है। क्या बात, क्या बात बहुत है, अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा। एक ऐसा दौर आया है कि जब भी उनका जी चाहा, नया फरमान ले आए, सजा देनी किसी को हो नया मीजान ले आए, अदालत ने न माना तो नया कानून ले आए, ये कैसा दौर आया है, ये कैसा क्या दौर कहना है, क्या क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसा दौर आया है, जो सच्ची बात करता है उसे वो डांट देते हैं, कि हक की बात को अब तो बगावत में ही गिनते हैं, मगर अपनी सऊबत को सआदत नाम देते हैं, ये कैसा दौर आया है। क्या बात है, बहुत अच्छा क्या है, बात है, बहुत अच्छा है, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ओके शुक्रिया। एक ऐसा दौर आया है जो हक का साथ देता है, वो जिंदा में ही सड़ता है, निगाहबा आंख पर पट्टी लगाए सोया रहता है, मसीहा अम्न का घर से निकलने से भी डरता है, ये कैसा दौर क्या है। कहने, क्या क्या कहने, बात है, बिल्कुल ये ऐसा बहुत ही दौर शुक्रिया। आया है, वाकई वाकई। एक ऐसा दौर आया है कि अब तो दोस्तों में ही छुपा दुश्मन भी रहता है, कबा ओढ़े वो फूलों की है, बहलाता क्या बात, बिछाता है, मगर फिर पीठ में एक दिन वो खंजर मार देता है, ये कैसा दौर आया है। क्या कहना है, क्या कहना, एक ऐसा दौर आया है, कहीं कातिल कहीं फासिद, कहीं जालिम कहीं मौजी, भयानक मस्ता चेहरा, शयाती सी शक्ल सारी, भरोसा किस पे अब कीजिए, कि निगरा बन गया जानी, ये कैसा दौर आया है। ये कैसा दौर बहुत आया अच्छा है, है, जहां जाओ वहां कातिल व मक्तल साथ चलता है, मगर क्या आहो खुफा सुनकर न कोई साथ देता है, न शाहिद है कोई, न शाहिद कोई मिलता है, न मुंसिफ बात सुनता है, ये कैसा दौर आया है। ये कैसा दौर आया है, दरिंदा तोड़ के फाटक गली कूचों में फिरता है, जो काले कर्म करता है उसी ना तन के चलता है, और उसका नाम लेने से मुहाफिज खुद ही डरता बात है, है, ये कैसा। वाह बहुत क्या अच्छा, वाह वही वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना, शुक्रिया, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, ये कैसा दौर आया है, कयामत से ये कम है क्या, कयामत गर नहीं है तो, कयामत से क्या कहना ये है, कम है क्या, कयामत गर नहीं है तो, कि अच्छा तो यही होता, कयामत आ ही जाती जो, सदाए सूर फिर आती, कि महशर सज ही जाता जो, वहां वो मुंसिफे आला अदालत में खड़ा होगा, गवाही वो न मांगेगा, उसे मालूम क्या सब कहना, होगा,
वहां पे हक ही हक होगा, क्या चाहिए, वहां बातिल सच होगा। क्या बात है, बहुत वहां बहुत पे हक खूबसूरत, ही जैसी हक रवान। होगा, वहां बातिल न सच होगा, वहां पर फिर कोई मुजरिम न छुप कर भाग पाएगा, कि जालिम को सजा होगी, कि कातिल बच न पाएगा, कि काले कर्म वाला फिर न कालिक पोछ पाएगा, गदागर भी न हो अदना, कि आला वान जर होगा, कि सच्ची बात कहने में झिझक कोई न डर होगा, कि दोजख में न होगा। खास तवज्जो चाहूंगा असलम भाई, जुबेर भाई, नवीन साहब, अभिषेक भाई, इरशाद इरशाद, कि दोजख में न हक होगा, नहीं जन्नत में शर होगा, कि अच्छा तो यही होता, कयामत आ ही जाती जो, कि अच्छा क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या क्या बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। और दोस्तों, एज दी से पेन इज माइटियर देन सोर्ड, जो कलम होती है, जो जोरे कलम होती है और जोरे कलाम होता है, वो तलवार से भी ज्यादा धारदार होता है। और यकीनन जुबैर भाई को सुनना, असलम राशिद भाई को सुनना, तुफेल सर को सुनना और नवीन सर को सुनने के बाद इस चीज पे पूरा यकीन आता है कि ये जो शब्द है ये पूरी दुनिया बदल सकते हैं, लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। और आप लोग जो लिख रहे हैं उससे आप कई लोगों की जिंदगियों को बदल चुके हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यही ख्वाहिश ऊपर वाले से विनती भी करूंगा और आप सबकी मोहब्बतों के दरकार में हम सब हैं, ये जो हमारा भारत साहित्य पर्व जो अपना पहला सीजन में है और अपने आप का पहला, अपने आप का, अपनी तरह का पहला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होने वाला एक इवेंट है, जिसे हम 10 दिन तक कोशिश रहेगी और आप सबकी दुआएं ऊपर वाले के करम रहमो फजल से 10 दिन का करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसे हमने प्लान किया है। और हम चाहेंगे कि आप सब अपनी मोहब्बतें, जो भी शोरा हजरात इससे जुड़े हैं और जो इससे ना भी जुड़ पाए, उन सभी को, दुनिया में जितने भी शेर और शायरी करने वाले शायर हैं, सुखनवर हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग लेवल पे वो जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप जाइए उन सभी प्लेटफॉर्म का हौसला अफजाई कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हमें हर अच्छा काम करने वाले को सपोर्ट करना है, हर एक ग्रुप को अक्रॉस द ग्रुप, अक्रॉस द लाइन, अपनी परवाह ना करते हुए सबकी सपोर्ट करनी है। क्योंकि आज असलम भाई का बड़ा जो दिल है, तुफैल सर का जो बड़ा दिल है, नवीन सर का, जुबेर भाई का, तो आप सबके बड़े दिल की वजह से हमारे जैसा छोटा आदमी आज कुछ ऐसी चीजें कर पा रहा है ऑनलाइन मीडियम पे, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, जो शायद इससे पहले पॉसिबल नहीं थी। और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीकों से, अलग अलग जो तंजीमें चला रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उन सभी को खूब सारी मोहब्बत दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए। और मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शमाम पीस फाउंडेशन, जुबेर भाई का, शौर्य नमन, रमेश भाई का, कारवाने गजल, असलम रशीद भाई का, पीएलजी ग्रुप ओमान, तुफेल सर का, जयपुर इंटरनेशनल पोएट्री लाइब्रेरी, राहुल चौधरी भाई का, जश्ने हुनर से तरुण तन्हा और इरफान तारिक खान भाई का, पोएट्री आत्मा की पूरी टीम, नवीन सर, जुबेर भाई, दीपसन, तान्या थॉमसन, विकास वर्णवाल, पुरवैया पोएट्री, साहित्यम आशीष प्रकाश भाई का, शायरों का शहर सावन शुक्ला भाई और जंगवीर का, एडीएफ सिने फाउंडेशन, एडीएफ सिने स्टूडियो से आकाश श्रीवास्तव भाई का, और निशब्द से मुनज़ा नूर गाजी। तो ये जो कोलैबोरेटेड इवेंट है, काफी सारे ग्रुप्स अपने अपने तरीके से, अपने अपने कैपेसिटी में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सभी को, आप सारे ग्रुप्स को और जो भी ग्रुप्स जहां पे भी काम कर रहे हैं, उसे खूब सारी मोहब्बत दीजिए, खूब सारी दुआएं दीजिए। इसी के साथ मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जुबेर भाई आपने अपना कीमती वक्त दिया, तुफेल सर आप ओमान से हमारे साथ जुड़े, असलम भाई आप तो हमेशा अपना अपना ब्लैंक चेक, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमें देते हैं, डॉक्टर नवीन सर आप सब ये जो प्यार देते हैं उसका मैं, दीपसन, क्योंकि मैन बिहाइंड द कर्टन दीपसन है, तान्या है जो इन टेक्निकल चीजों को मेरे से ज्यादा हैंडल कर रहे हैं, तो इन लोगों को आप सबका यही प्यार, यही सपोर्ट हमेशा मिलता रहे, हम सबको और सारी तंजीमों को, क्योंकि असलम भाई तो सभी से मोहब्बत करते हैं, तुफेल सर, नवीन भाई, जुबेर भाई सबसे मोहब्बत करते हैं, तो सभी को आप ऐसी मोहब्बत देते रहिए। आप सभी का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, आदाब दोस्तों, अल्लाह ख्याल, अपना ख्याल रखिए, आदाब, हाँ भैया।
धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।